अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सहमत शरीफ में एक और बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती का मज़ार अक़दस मौजूद है, जिनका इस्मे ग्रामी सिकंदर बोतला बहार है। आप अलैहिमा हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दीवाने और मुरीद ख़ास थे, और आप अलैहिमा का मज़ार अक़दस हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के करीब ही है, और हम आप अलैहिमा के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं। शुक्रिया सर, माशाल्लाह। मज़ार शरीफ के अंदर जा रहा हूँ, माशाल्लाह। ये आप रहमा की कब्र अनवर है। आप अलरहमा के बारे में एक वाक्या बहुत मशहूर है कि उस वक्त इस इलाके में एक हिंदू हुक्मरान राजा चौपट की हुकूमत थी। राजा चौपट एक जालिम बादशाह था, और इसके दौरे हुकूमत में बद इंतज़ामी और फहाशी बहुत ज़्यादा थी। सहवन शरीफ में हज़रत बोदला बहार हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम के नारे लगाया करते थे, और ये बात जब राजा चौपट को मालूम हुई तो उसने हज़रत सिकंदर बोदला बहार को अपने महल में बुलवाया, और महल में बुलवा कर उसने हज़रत सिकंदर बोदला बहार को इस बात से मना किया। लेकिन हज़रत बोदला बहार ने उसके सामने ही हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये बात देखकर उस हिंदू राजा ने हज़रत बोदला बहार को ज़िबा करा दिया, और उसने हुक्म दिया कि इनका गोश्त काटकर हांडी में पकाया जाए और खाया जाए। तो उन लोगों ने हज़रत बोदला बहार को हांडी में पकाकर खा लिया। रवायात में आता है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने हज़रत बोदला बहार को आवाज़ लगाई। तीसरी बार पुकारने पर आप अलैहिमा का गोश्त जिन लोगों के मैदों में था, जिनके मुंह में था और हांडी में था, वो वहाँ से निकल कर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के पास पहुँचना शुरू हो गया, और वहाँ पर इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के साथ वो एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर गया, और हज़रत बोदला बहार दोबारा ज़िंदा हो गए। ये एक बहुत बड़ी करामत है हज़रत लाल शहबाज कलंदर की। फिर एक रवायत में आता है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपना कासा उल्टाया, और उस हिंदू राजा का किला उल्टा हो गया और वो उसमें ही अर्क हो गया। ये सामने जो आप मंजर देख रहे हैं, ये वही किला है जो उस वक्त उल्टा हो गया था। आज भी इसके निशानात यहाँ पर मौजूद हैं, और ये काफ़ी बड़ा किला था, और इस जगह को उल्टी बस्ती कहा जाता है। आज भी इसके निशानात यहाँ पर मौजूद हैं। ये अंदर ईंटें हैं, बड़ा मजबूत किला है। देखिए ना कितनी हिस्ट्री है इसकी, जो अभी तक ये मौजूद है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, सारी ईंटें हैं। ये सारा किला बड़ा मजबूत था। ये सब ईंटें हैं इसके, इस पत्थर के अंदर ये सब ईंटें हैं नीचे। ये सब पत्थर है, ये ईंटें हैं इसके अंदर, क्योंकि बारिश की वजह से अब तो टाइम काफ़ी हो गया ना, इसके ऊपर वो मट्टी जम गई है। लेकिन ये इसके अंदर ईंटें हैं, काफ़ी मजबूत किला था। ये भी हज़रत लाल शहबाज कलंदर अलैहिमा की करामतों में से एक करामत है कि उन्होंने इतने बड़े और मज़बूत किले को लम्हों में उलट दिया।
تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ 1238 عیسوی میں اچھ میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1298 عیسوی میں اس جہان فانی سے پردہ فرمایا اور آپ کا مزار اقدس سہون شریف میں واقع ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔